आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई प्रश्नमाला 2.2। अपने वास्तविक संख्या वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें प्रश्नमाला 2.2 में देखिएगा, पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने को किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अब देखिएगा, जैसे इसका पहला आपको प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि 468। अब अपने को 468 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और इस रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए भाई, अभाज्य गुणनखंड निकालना है मतलब आपको छोटी से छोटी संख्या का भाग देते जाना है, ठीक है भाई। सबसे पहले जैसे बात करें, आपको 2 से स्टार्ट करना है, देखना है कि भाई क्या 468 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। वो देखने का नियम क्या होता है कि आपको इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, अगर इन पांचों में से कोई एक अंक अगर यहाँ दिख जाता है, मतलब 2 का भाग जाता है। और यहाँ पर देखो भाई 8 है, यानी 2 का भाग जाएगा। इसकी जगह अगर यहाँ पर 8 के अलावा अगर 7 होता, 9 होता, 3 होता, तो अपन कहते भाई भाग नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको देख लेना 2 का भाग जाता है तो ही आपको देना, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। तो देखिए भाई 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 3 बार। और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 4 बार। यानी कितनी बार भाग जाएगा भाई? 234 बार भाग जाएगा। अब देखिएगा भाई, अब वापस देखिए, क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है? अपन ने देखा इकाई का अंक 4 है, अभी 4 आता है तो 2 का भाग जाता है। 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 का भाग 3 में, अब 3 में नहीं जाता, 3 से कम, एक बार बोलते तो भाई क्या आता है? 2। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। 1 और ये 4, 14। 14 में कितनी बार जाता है भाई? 7 बार, यानी 117 बार गया। क्या अब 2 का भाग जाएगा? अपन ने देखा इकाई अंक 7 है और 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 का कैसे चेक करते हैं? भाजकता का नियम। 3 का क्या होता है कि आपको अंकों का योग करना है, यानी इन अंकों को जोड़ना है। 1 और 1 2, 2 और 7 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है? तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो भाई 3 का भाग देते, देखो 3 का पहाड़ा 3 बार, देखो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक ले लिए 11। अब 11 से कम क्या आता है? तो 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है। 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2। 2 और ये 7 हो गया 27। 27 में कितनी बार जाता है? 9 बार भाग। अब आगे चेक करते भी, देखो अब 2 का तो भाई पूरा हो गया, देखो एक बार अगर 2 का भाग नहीं जा रहा, अब आगे जाएगा भी नहीं, ठीक है। अब 3 का ही चेक करते रहना, 3 का देखिए भाई, 3 और 9 को जोड़िए 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है? यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 3 में गया एक बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार। ये ऐसे पास में लिखना भाई, ये पूरी एक संख्या, अलग अलग नहीं है। तो ये हो गया 13 बार भाग गया। क्या अब भी 3 का भाग जाएगा? अब नहीं जाएगा। देख कैसे पता चला भाई, 1 और 3 को जोड़ा 4। अब 3 4 में तो 3 का भाग जाता नहीं। चलिए 3 के बाद में 4 का चेक करते हैं। अब 2 का नहीं भाग जा रहा तो 4 का तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। फिर 5 का देखते हैं, तो 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता, उसको देखने का क्या नियम होता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो ही 5 का भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भी नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं भाई 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 6 का भाग कब जाता है? जब 2 या 3 का, अगर इस संख्या में 2 2 और 3 अगर दोनों का भाग जा रहा हो तो 6 का भाग जाएगा। अब इसमें 2 का भी नहीं भाग जाता, 3 का भी नहीं जाता, मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में 7, 7 के बारे में 7 दूनी 14 होते हैं भाई, 13 नहीं होते। 8, अब 2 का नहीं जा रहा तो 8 का भी नहीं जाएगा। फिर बात करें भाई 10, 9 का, तो 9 का भी नहीं जा रहा है। 9 का भी चेक करने का वही नियम है जो 3 का है, आपको अंकों को जोड़ना है और फिर देखना है कि अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 9 के बाद चेक करते हैं 10, तो 10 के भाग 10 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको चेक करने का क्या नियम होता है? इकाई अंक 0 होना चाहिए। 10 का भी नहीं जाएगा। फिर 11, अब 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको चेक करने का क्या नियम होता है? देखिएगा, क्योंकि देखो ये अगर आपको पता होंगे तो आपको फिर भाग देने की जरूरत नहीं होगी, पहले आप चेक कर लो। आपको क्या करना है? आपको पीछे से स्टार्ट करना है। ये जो 3 है इसमें तो 1 का गुणा करना है, तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 1 का गुणा किया, अब किसका करना है? माइनस 1 का गुणा, तो इसमें माइनस 1 का गुणा करेंगे तो 1 इंटू माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1। अब इनको जोड़िए, माइनस 1 और प्लस 3 कितना होता है? 2। क्या 2 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो इसमें भी मतलब कि 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर 12 का नहीं जाता, अपन सीधा देखते हैं भाई किसका भाग जाता है? 13 का। 13 में 13 का भाग एक बार गया, यहाँ लास्ट में 1 आ गया, मतलब अपने ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है कि इस वाली संख्या को गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 468 को आप क्या लिख सकते हो? देखिए भाई ये 2 है, इसको मैं एक बार पूरा ऐसे लिख देता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब इसको और अपन क्या कर सकते हैं कि आपको देखना है ये जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसकी घात क्या लगा देंगे आप?
इसके बाद में तीन कितनी बार आ रहा है, तो वो भी दो बार आ रहा है, उसकी भी घात कितनी लगा दी, दो। और तेरह जो एक बार आ रहा है, तो घात एक लगाने की कोई जरूरत है नहीं, यानी ये इसका कौन सा रूप हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया। अब पहले के जो बाकी सारे सवाल हैं वो ऐसे के ऐसे ही करने हैं आपको, पहले ऐसे गुणनखंड कर देने, फिर आपको इनकी घातों के रूप में लिख देना है। अब ऐसा का ऐसा देखो, अब इस प्रश्न में देखो आपको एक बार पूछा भी गया, ठीक है, आपको एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि 146 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें घातों का योगफल क्या होगा। इसमें देखो भाई, आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल। आप देखिएगा भाई, आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड तो निकालना ही है, फिर आपको क्या ज्ञात करना है, उसकी जो घात आएगी, घातों का योगफल। तो भाई घातों का योग जैसे इसको तो आप ठीक है ट्राई कीजिएगा, इसमें आप समझिए कैसे करना है। यहाँ आपने इनको घात के रूप में बदला, अब देखो भाई दो की घात कितनी है, दो, तीन की घात कितनी है, दो, तेरह की घात कितनी है, एक। तो भाई सभी की मैंने घातों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, दो प्लस दो प्लस एक, यानी कितना मिला, पाँच। तो यहाँ घातों का योगफल कितना होगा, पाँच। ये आपको कब अगर पूछा है प्रश्न में तो ही निकालना है। आपको बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा था कि भी 146 जो होते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसे उसके घातों का योगफल क्या होगा। तो देखिएगा इस प्रश्नों को भी यहाँ मैं करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी क्योंकि पहले के सारे एक जैसे ही प्रश्न हैं, एक थोड़ा इसको भी कर लेते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले चेक करते भी क्या दो का भाग जाएगा, तो भाई इकाई का अंक छः है, मतलब दो का भाग जाएगा। इसमें देखो 14 में गया 7 बार, 6 में गया 3 बार। अब इकाई अंक 3 आ गया, मतलब दो का भाग तो जाएगा नहीं। फिर 3 का चेक करते हैं भाई, 7 और 3 को जोड़ा 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। सर 146 नहीं था, वो संख्या कितनी थी भाई, 142 थी, ठीक है, वो अपने संख्या कितनी दे रखी थी, 142 हो गया, 144 सॉरी, ठीक है भाई, 144 है। अब इसको करते देखिए, 144 है। अब देखो दो का भाग 14 में कितनी बार गया, 7 बार। दो का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। अब देखो अभी देखो दो का भाग जाएगा इसमें, दो का भाग इसमें कितनी बार गया, 36 बार। फिर देखो भाई वापस दो का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर दो का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर देखो भाई अब तो दो का भाग जाएगा नहीं, तीन का, तीन का 9 में कितनी बार गया, 3 बार। और तीन में तीन का भाग कितनी बार गया, 1 बार। अब देखिएगा अपने अपने को क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, इनको कैसे लिखोगे। देखो दो ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, मतलब दो की घात 4 लगा दी। इसी प्रकार यहाँ पर तीन कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। अब देखो अपने को तो भाई ये तो अभी अभाज्य गुणनखंड निकालें, अगर प्रश्न में बोला है कि घातों का योगफल भी निकालना है, तो आप लिखोगे घातों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा। देखो आपको जो ये घातें हैं उनको जोड़नी है, यानी 4 और 2 को जोड़ना है, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, और एक बार पिछली बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें भी आपके ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो भाई लिख दीजिए इसको, इसमें अपने को बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुतम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए, तथा सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है पूर्णांकों का गुणनफल। देखिएगा आप देखो, अपन किसी भी संख्या का HCF और LCM निकालना तो जानते हैं, आप कैसे निकालते हो, जैसे कोई भी आपको जैसे कि 18 और एक जैसे कि आपको 60 अगर दो संख्या दे दी, अगर आप अपने जो पहला वाला तरीका होता है जो अपन ने पहले सीखा, आज एक नया तरीका सीखेंगे अपन, जो LCM यानी जो लसपन निकालते हैं, पहले आप कैसे निकालते थे कि भाई लसपन निकालने के लिए दोनों संख्याओं को साथ में लेते थे, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे, फिर बाद में जो भी संख्या मिलती थी सभी का गुणा करके जो आंसर आता था वो इसका LCM कहलाता था, लसपन कहलाता था। फिर आपने जो दूसरा एक तरीका और पढ़ा था मसपन निकालने का, इसी के साथ में कि मसपा में आप अलग अलग संख्या लेते थे, यानी साथ में नहीं रखते थे, 18 के गुणनखंड अलग करते थे और 60 के गुणनखंड अलग करते थे, फिर आप क्या करते थे भी इन दोनों में जो संख्या कॉमन आ रही, जो संख्या कॉमन आएगी उनको लेते थे, फिर उनका जो गुणा होता था वो मसपा यानी HCF कहलाता था। इससे भी आंसर सेम ही मिलता है, और आज जो दूसरा तरीका अपन सीखेंगे उससे भी आंसर तो वो का वही मिलेगा, लेकिन दूसरा तरीका है क्या वो अपन आज सीख लेते हैं। और एक बात ये भी ध्यान देनी है, एक लाइन आपको ये लिखनी है क्योंकि उसका भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो देखो कोई भी आपने दो संख्याएं ले ली, अब जो दो संख्याएं होती हैं उन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के बराबर। यानी कोई भी अगर जैसे दो संख्याएं हैं, अगर उनका आपने क्या निकाला भाई LCM निकाला, और दूसरा क्या निकाला आपने उसका
HCF यानी कि लसपा और मसपा निकाला है, तो उन दोनों का जो गुणा करेंगे वो किसके बराबर होगा, ये जिन दो संख्याओं का LCM और HCF है उन दोनों के गुणा के बराबर, यानी इनको बोलेंगे पूर्णांक या फिर बोलेंगे संख्याएं, तो दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जिन दो संख्याओं का HCF और LCM निकाला है उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में देखो, ये जो अभी 2020 का जो सप्लीमेंट्री पेपर हुआ है उसमें भी इसी का एक सवाल पूछा है, इसी से पूछा है। देखो इसमें आपको क्या पूछा था, देखिए अभी HCF LCM निकालना वो नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है वो देखिएगा। आपको जैसे कोई भी आपको इन ये जो एक दो दो तो ये मान हो गए, इसके बाद में यहाँ पर दो संख्याएं होती है आपको जो, यानी टोटल दो ये और दो ये यानी चार हो गए, चार में से किसी भी तीन का मान दे रखा होता है और एक का मान निकालने को बोलते हैं। जैसे देखिए कैसे आपको बोला कि भाई दो संख्याएं हैं, दो में से एक संख्या तो है 18 और दूसरी संख्या मान लीजिए कितनी है ए है। आपको बोला कि दो संख्याएं हैं, एक 18 है एक ए है, और उन दोनों का LCM मान लीजिए अभी 36 दे रखा है और उसका HCF आपको कितना दे रखा है, चार दे रखा है, ठीक है। आपको प्रश्न में ऐसे देंगे कि किसी भी दो संख्याओं का LCM 36 है, HCF चार है और उनमें से एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र काम लेंगे, इसमें सभी के मान लिखे, फिर आपको देखो क्या करना है, जैसे ये 36 × 4 बराबर 18 × a मिला है, ये 18 यहाँ गुणा वाला इसको भाग में लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जब यहाँ आएगा भाग में तो वहाँ बच जाएगा a, यानी जो दूसरी संख्या आपने को निकालनी है, फिर 18 का 36 में भाग देंगे दो बार जाएगा, फिर 2 × 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा, यानी अपने को a का मान कितना मिल जाएगा, 8, यानी वो दूसरी संख्या क्या थी, 8 थी। तो ऐसे अपने को प्रश्न, आप प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्या आपको पहले से दे दे, आपको LCM दे दे, फिर आपको HCF निकालने को बोले, यानी चार में से कोई भी तीन चीज़ें दे रखी होगी, तीसरी आपको, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो इस वाले सूत्र से निकलेगी। अब अपन सीखते हैं कि HCF और LCM निकालने का दूसरा और कौन सा तरीका होता है, तो देखिएगा। अब जैसे दूसरे का अपन पहला प्रश्न लेते हैं, आपको संख्या दे रखी है 96 और 404, आपको संख्या दे रखी है 96 और 404, अपने को इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF। तो देखो भाई आपको LCM और HCF ज्ञात करना है, सबसे पहले तो आपको पहले सवाल में जो सीखा था अभाज्य गुणनखंड करने वो करना पड़ेगा, 96 है तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आपको ये साइड में करना है भाई, ये तो काम जैसे रफ वाला हो गया। तो देखिए दो का भाग देते हैं, सबसे पहले दो का भाग जा रहा है, 9 में जाएगा 4 बार, फिर ये 16 हो गए, 16 में गया 8 बार, अभी भी दो का भाग जा रहा है, 48 में कितनी बार जाता है, 24 बार, फिर दो का भाग 24 में कितनी बार भाग जाता है, 12 बार, फिर 12 में भी दो का भाग जाता है कितनी बार, 6 बार, और 6 में दो का भाग जाता है 3 बार, और 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का कितनी बार, 1 बार। अब आप भाई यहाँ लिख दीजिए कि 96 बराबर आपको क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको लिखना कैसे, घातों के रूप में, यानी ये देखना है ये दो कितनी बार आ रहा है, 5 बार, या फिर एक बार तो क्या करो भी इनको ऐसे का ऐसे लिख दो, फिर इसको घातों के रूप में लिख देना। जैसे कि मैंने एक बार इसको ऐसे लिखा, आप देखिए अभी इसको कैसे लिखूंगा, दो कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 2 की घात 5, और ये 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो एक तो घात लगाने की जरूरत है नहीं। अब इसी प्रकार जो दूसरा है वो 404 है, उसके भी अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, देखिए कैसे, 2 का भाग देंगे, इसमें गया 2 बार, 0 बार, 2 बार, यानी 202 बार, फिर 2 का भाग देते हैं भाई कितनी बार, क्या 1 बार, 0 बार, 1 बार, 101। अब क्या 101 में किसी का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, किसका भाग जा रहा है सीधा, तो अपन देखिए भाई, देखो लास्ट शायद 101 का ही जाएगा, ठीक है, किसका भाग जाएगा, 101 का, तो इसमें मैं डायरेक्ट किसका भाग दे देता हूँ भाई, 101 का दिया, यहाँ बचेगा कितनी बार, कितने बार भाग गया, 1 बार, क्या किसी का और जा रहा है भाग भाई इसमें, शायद 101 में किसी का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो अपन ने देखा भाई इसके गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 101। अब देखिए भाई इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 × 2 × 101। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 101 कितनी बार आ रहा है, वो तो एक बार ही आ रहा है, तो 101 लिख दीजिए। अब अपने को इनको और इनको काम में लेना है, सबसे पहले निकालते हैं LCM यानी लसपा, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी आपने गुणनखंड निकाले हैं, गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी है आपको, गुणनखंडों की अधिकतम जो घात है वो वाले आपको लेनी है।
तो देखिए भाई, अब देखिएगा गुणनखंडों की अधिकतम घात। अब देखिएगा जैसे इसमें देखो गुणनखंड दो है, इसमें भी गुणनखंड दो है, दोनों में से भाई ज़्यादा घात वाला कौन सा है? तो ये पहले में जो है यहाँ दो की घात पाँच जो कि ज़्यादा है, तो अपने को इसको लेना है, ठीक है भाई। तो दो की घात पाँच को मैंने ले लिया। अब तीन अपने को इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें तो नहीं है, यानी इसमें नहीं है मतलब इसमें तीन की घात जीरो है और यहाँ तीन की घात एक है, तो बड़ी घात कौन सी होगी? ये वाली, कितनी? तीन की घात एक, तो इसको ले लिया। इसके बाद में देखो भाई, दो दो का काम तो हो गया। इसके बाद में देखिए भाई 101, इसमें 101 एक बार है, इसमें बिल्कुल है ही नहीं, तो भाई बड़ी घात वाला ये माना जाएगा। तो मैंने यहाँ कितना ले लिया भाई, 101 ले लिया। यानी कहने का मतलब देखो, आपको जो भी अलग अलग संख्याएं दिख रही है सभी ले ली। जैसे देखो दो है, दो को ले लिया, तीन है, तीन को भी ले लिया, ये दो दो तो पहले ले लिया, फिर 101 आया, सभी को लिया। अब देखना है अभी दो की बड़ी घात कौन सी है, पाँच है या दो है? तो पाँच थी तो पाँच लगानी है। तीन की बड़ी घात, तो तीन तो एक बार ही आ रहा है तो एक ही रहने दो, 101 एक बार आ रहा है, 101 अपने एक बार रहने दिया। अब अपने को क्या करना है देखो भाई, अब इसको वापस हल करना है। दो की घात पाँच, मतलब दो का कितनी बार गुणा करना है? पाँच बार गुणा करना है, और इंटू तीन और इंटू 101। अब देखिए भाई गुणा करते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस और इंटू देखो बत्तीस आया ये, बत्तीस इंटू तीन इंटू 101 ये हो जाएगा 32 इंटू तीन का गुणा इससे करेंगे तो ये हो गया 303। अब 303 और 32 का गुणा करना है, तो यहाँ गुणा करते हैं, देखिएगा भाई तीन दो का गुणा करते हैं 606, फिर तीन का करते हैं 909, यानी अपने को कितना मिला ये 9696, वो इसका क्या आ गया LCM। तो अपने को LCM कितना मिला भाई 9696। अब दूसरी बात आती है भाई HCF यानी मसप। तो देखिए भाई अगर LCM में अपन ने बड़ी वाली घात ली है, LCM में बड़ी वाली घात ली है, तो अपने को HCF की कौन सी घात लेनी है? बड़ी वाली घात, सॉरी छोटी वाली घात। छोटी वाली घात लेने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि जो संख्याएं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी दोनों के अंदर आ रही है, सिर्फ उन्हीं को लेना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, न्यूनतम घात आप समझिएगा कैसे, आपको पहले देखना उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो दोनों में आ रहे हैं, तो कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है? तो सिर्फ दो है जो दोनों में आ रहे हैं, तो मैंने दो को ले लिया। अब अपने को न्यूनतम घात लगानी है, यानी कि पाँच और दो में से न्यूनतम यानी छोटी घात दो है, वो लगाया। अब देखो दो की घात दो मतलब कितना होता है? चार। यानी अपने को आंसर, यानी इसका HCF कितना मिल गया अपने को? चार मिल गया। ये LCM और ये हो गया HCF। तो तीसरे का पहला प्रश्न देखिएगा, अपने को बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक, यानी इसमें भी क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना पड़ता है? पहले इनके गुणनखंड बनाने पड़ते हैं, 12, 15 और 21, इन सभी के अपन अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी 12, ये जो 12 है इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करें मतलब सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। यानी ये कितना हो जाएगा भाई? 2 × 2 × 3। यानी मैं इसको क्या लिखूंगा भाई? 2 की घात 2 और इंटू 3 की घात 1। चलिए फिर अगली संख्या क्या है अपनी? 15। तो 15 ले लिया भाई। 15 में देखो भाई किसका भाग जाएगा सबसे पहले? 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का। 3 का गया 5 बार, फिर 5 का इसमें गया 1 बार, यानी अपने को मिला 3 × 5। क्या अब इसको घात के रूप में लिखने की ज़रूरत है? ये तो पहले से एक एक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में देखते हैं भाई 21। अब 21 क्या अभाज्य गुणनखंड करें? तो भाई देखो 3 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर सीधा किसका जाएगा? 7 का भाग 1 बार, यानी ये कितना आ जाएगा भाई? 3 × 7। अब अपने को भाई देखो तीनों के अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए अपन ने, अब अपने को क्या निकालना है? LCM यानी कि क्या निकालना है? लसप। तो देखिए अभी लसप में देखो आपको क्या बताया था, LCM में सारी संख्याएं जो अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर दिख रही है सभी लेनी है। देखो यहाँ से चेक कीजिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 तो ले लिया नहीं लेना वापस, 5 5, फिर 3 ये तो आ गया, फिर 7, सभी संख्याओं को लिया। अब आपको घात कैसे लगानी है भाई? LCM में बड़ी वाली घात, 2 की बड़ी घात कितनी है भाई? 2 की बड़ी घात 2 है, क्योंकि बाकी जगह तो कोई है नहीं। फिर 3, तो 3 की तो देखो भाई इसमें भी घात 1, इसमें भी घात 1, इसमें भी घात 1, तो सभी में घात 1 है तो 1 ही रहेगी। अगर मान लो यहाँ पर अगर घात 2 होती तो घात अपन 2 ले लेते, या फिर यहाँ पर अगर घात 2 होती तो 2 घात लगा देते, ठीक है, लेकिन सभी जगह बराबर है। इसके बाद में 5, तो 5 तो सिर्फ इसमें आ रहा है 1 बार, और इसकी जो बड़ी घात है वो 1 ही होगी, तो ये ले लिया।
इसके बाद में सात, तो सात भी देखो भी एक बार ही आ रहा है और इसकी बड़ी घात एक ही है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब दो की घात दो मतलब कितना, चार इंटू तीन इंटू पाँच इंटू सात। अब देखो चार दिया बारह, बारह पंजे साठ, और साठ इंटू सात करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। यानी इसका लसअप यानी एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। अब अपने को निकालना है एचसीएफ यानी कि मसअप। तो देखो उनको निकालने के क्या तरीका होता है कि संख्याएं जो कॉमन है जो सभी के अंदर है वो लेनी है। देखिए भाई दो इसमें है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। अगर मान लो दो अगर इसमें भी होता लेकिन अगर एक आधे में भी नहीं है तो भी नहीं लेना है, ठीक है, तो दो नहीं लेना है। फिर देखते तीन, तीन इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो तीन कॉमन है तीन ले लिया। और कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, पाँच, पाँच भी एक में है, सात भी एक में। अब कॉमन जो संख्या थी वो तो ले ली, अब बारी आती है भाई घात लगाने की, घात लगानी है छोटी वाली घात। तो यहाँ देखो कि यहाँ घात एक है, यहाँ भी घात एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी छोटी वाली घात कौन सी, एक ही होगी, यानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपने को एच सी एफ कितना मिला, तीन मिला, ठीक है, ऐसे इसको करना है। लिख चौथा प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर करने पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिएगा आपको पहले तो ये देखना है भी इस प्रश्न में दे क्या रखा है। अपने को बोला है कि एक जो वृत्ताकार जो पथ है जो मैदान है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में रमन को कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो आप लिखोगे भाई एक चक्कर लगाने में रमन का या रमन को समय लगता है, रमन को कितने समय लगता है भाई एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार दूसरा आपको जो दे रखा है कि अनुप्रिया के बारे में बोला है कि इसी का चक्कर लगाने में अनुप्रिया को कितना समय लगता है, अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं, अनुप्रिया को कितना समय लगता है, 12 मिनट। तो देखिए भी एक ही चक्कर है लेकिन देखो अनुप्रिया फास्ट चलती है तो उसको कम समय लगता है और वो धीरे चलता है उसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। अब आपको बोला है कि दोनों एक ही जगह से एक ही साथ में स्टार्ट करते हैं। मान लो देखो वो एक ही बिंदु से एक जगह, जैसे ये राउंड है यहाँ से इन्होंने चलना प्रारंभ किया। अब देखो एक तो भाई एक को कम समय लगता है एक को ज़्यादा लगता है, तो देखो जिसको कम समय लगेगा वो तो फटाफट यहाँ आ जाएगा यानी, और जिसको कम समय लगता है वो धीरे धीरे आएगा, मतलब दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वापस वो दोनों एक जगह मिलेंगे। तो वो कितने समय बाद मिलेंगे वो अपने को पूछा है। देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि भाई ये तो 12 मिनट में पूरा कर देगा, ये करेगा 18 मिनट में एक जना, यानी कि इसको कम समय लगेगा इसको ज़्यादा, मतलब कि दोनों के बीच में गैप बनेगा चलने में। तो ये गैप धीरे धीरे वैसे बढ़ता जाएगा, एक बार ऐसा समय आएगा कि वापस वो मिल जाएंगे। तो कितने समय बाद इसमें लिखा है कि प्रारंभिक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे यानी वापस कब मिलेंगे। तो देखिएगा आपको इसमें आप देखो भी अपने को या तो एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ देखिए भाई इन दोनों में से कौन सा निकालना है, अपने को कैसे पता चले। तो एक सवाल में आपको ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनको देखना पड़ता है, जैसे कि चक्कर, अगर चक्कर लगा रहे हैं तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। या फिर ऐसे बोले कि पुनः कब मिलेंगे वापस, पुनः कब मिलेंगे, तो भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनसे अपने को पता चल जाता है कि वो वापस कब मिलेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता, देखिए अब एक राउंड लगाने में इनको 18 और 12 मिनट लग रहे हैं, अब वापस मिलेंगे तो भाई ज़्यादा लगेंगे। देखो दो राउंड लगाएगा इसको 36 मिनट हो जाएंगे, इसको हो जाएंगे 24 मिनट, यानी टाइम तो बढ़ता जाएगा। यानी टाइम, अब जो अपन टाइम निकालेंगे वो इन दोनों से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इन दोनों से क्या आएगा, ज़्यादा। तो देखो कभी भी किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वो हमेशा दोनों संख्याओं से ज़्यादा होता है, और एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं से हमेशा कम होता है। तो अपन ने देखा भाई अब देखो जब मिलेंगे तो वो ज़्यादा टाइम बाद मिलेंगे, अभी 18 मिनट तो एक राउंड में ही हो रहा है, अब बहुत सारे टाइम लगा राउंड लगाएंगे तो मतलब बहुत सारा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब भाई अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। या फिर प्रश्न में आपको चक्कर या फिर पुनः कब मिलेंगे वगैरह ऐसा अगर आपको पूछे तो आपको एलसीएम सीधा निकाल देना है। तो देखिए अब अपने को बोला है कि वे दोनों पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, तो वे दोनों पुनः मिलेंगे या फिर उनके पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय।
तो पुनः मिलने में लगा समय भी कितने, पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा किस किस का, तो भी जो आपको दो संख्या दे रखी है एलसीएम किसका भाई, 18 का और 12 का। तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 18 और 12 का एलसीएम, या फिर एलसीएम लिख के कोष्टक में लिख दो भाई किस किस का एलसीएम निकालना है। तो भाई कितना समय लगेगा भाई, 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो इतना समय लगेगा। तो अभी अपन क्या करते हैं भाई, 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना अभी आपको सिखाया कि सबसे पहले क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड कैसे करने, देखिए जैसे पहले 18 का करता हूँ। 18 में भी देखो 2 का भाग गया 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग गया 1 बार। यानी इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार जो 12 है, 12 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें, देखो 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग गया 1 बार। यानी ये मिला 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार। अब निकालना क्या अपने को, तो एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का। तो देखो भाई एलसीएम में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं आती है वो सभी लेनी है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और 2 3 वापस आ गया, हमने लेना। अब घात एलसीएम में कौन सी घात लगाते हैं, बड़ी। बड़ी घात मतलब 2 की, देखो यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, बड़ी वाली 2, 3 की घात 2 बड़ी है 1 से, तो भाई 2। अब 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9, और 4 9 36, यानी कितने समय बाद वो वापस मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ऐसे इसको करना है। आपको बोला है कि भाई एक संगोष्ठी है, उसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित में कुछ प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और हिंदी अंग्रेजी और गणित में कितने भाग ले रहे हैं, 60 84 और 108 ये लड़के भाग ले रहे हैं। अब अपने को बोला है कि यदि प्रत्येक कमरे में अपने को बराबर संख्या में विद्यार्थियों को बैठाना है, प्रतिभागियों को बिठाना है, तो कितने कमरों की, न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। अब समझिए, आपको बोला कि 60 84 और 108 यानी टोटल जितने भी लड़के होंगे वो अपन योग करके निकाल देंगे। अब देखो इन लड़कों को भी आपको बराबर बैठाना, यानी हर कमरे में बराबर छात्र होने चाहिए, यानी एक कमरे में अगर 10 है तो बाकी सभी में भी 10 होने चाहिए। और इस तरीके से बिठाना है कि अपने को कमरों की, कम से कम कमरों की आवश्यकता पड़े। तो आपको अगर सवाल में अगर जैसे यहाँ बोला है कि न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो क्या शब्द अपने को देखने को मिला, न्यूनतम। यानी अगर किसी भी सवाल में न्यूनतम शब्द देखने को मिले तो अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। या फिर आपको आपको बोला है कि अलग अलग कमरों में इनको बांटना है, यानी कि अगर बांटना या विभाजित करना, अगर ये भी आपको शब्द कहीं पर देखने को मिले तो भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बांटना या विभाजित करना या न्यूनतम ये शब्द दिखे तो आपको एचसीएफ निकालना है, और आपको पुनः कब मिलेंगे या चक्कर लगाना है तो आपको एलसीएफ निकालना है। तो इस सवाल में, अगले सवाल में आपको क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालोगे तो आपको जो मान मिलेगा वो शायद लड़कों की संख्या कितनी मिलेगी, 12 मिलेगी, ठीक है, कितनी मिलेगी, 12। यानी एक कमरे में 12 लड़के बैठेंगे। अब एक कमरे में 12 लड़के बैठेंगे तो इन सभी को बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए, तो इन सभी को टोटल कर देना भाई, ये कितना आएगा, 4 12 80 लगी 1, कितने आएंगे, ये 252 टोटल लड़के हैं। ये कितने लड़के हैं, 252। एक कमरे में 12 बैठते हैं तो 252 को बैठने के लिए 12 का इसमें भाग देंगे, 12 का भाग इसमें जाएगा भाई, 12 का इसमें जाएगा कितनी बार, 21 बार भाग जाएगा, ठीक है, 21 बार जाएगा। यानी टोटल कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 बार, 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे करके निकालना है, देखो ये 12 तो मिलेगा इनका एलसीएम निकालने से, ये 12 है कि एक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे। अब एक कमरे में 12 बैठेंगे तो भाई टोटल 252 है, उनके लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो 21 की। ये थोड़ा आपको मैंने ऐसे बताया कि इसमें एचसीएम निकाल लेना, ठीक है, बाकी आप करके देखना, नहीं होता तो कल पूछ लेना, ठीक है।